हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिसेशन एसी के बारे में, जो कि लैबर्ट का है, कि इसका जो ह्यूमिडिफायर टैंक है उसको रिप्लेस कैसा करते हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है रिप्लेस करने का, तो जानेंगे इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमर्सन कंपनी का प्रिसेशन एसी है, तो जिसका हमारा ह्यूमिडिफायर टैंक है वो ख़राब हो चुका है, उसका जो कॉयल है वो डैमेज हो चुका है, तो जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इस यूनिट को मैनुअली यहाँ से ऑफ़ करेंगे। मैनुअली इसको ऑफ़ किए, बाद में जो इसका कवर है इसको ओपन करेंगे, जिस साइड में हमारा ह्यूमिडिफायर टैंक आता है। तो देख सकते हैं कि इस जो कवर है इसके अंदर ह्यूमिडिफायर टैंक है, तो उसको भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एलेंकी के थ्रू। तो ये हमारे साइड का जो ह्यूमिडिफायर टैंक है उधर ओपन हो चुका है। ये ह्यूमिडिफायर टैंक है, देख सकते हैं कि ऊपर से कितना ज़्यादा ये गंदा दिख रहा है। इसके अंदर का जो कॉयल है वो टूट चुका है, ठीक है ना। तो इसी को हमें रिप्लेस करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको कि इसको रिप्लेस कैसा करेंगे। टैंक है ये, यूज़ होता है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे ह्यूमिडिटी जितना रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे जो है ना वाटर बॉयल अप होता है, गर्म होता है, फिर यहाँ से आउट होता है। इसका जो स्टीम है यहाँ से आउट होके ये देख सकते हैं कि ये लाइन के थ्रू इसके अंदर आएगा। ये जो कॉयल दिख रहा है आपको, ये कॉयल में आएगा तो ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इसके थ्रू स्टीम निकलेगा, फिर उस हिसाब से जो रूम का जो ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करेगा। तो ह्यूमिडिफायर टैंक का ये आपका आउटलेट होता है, इधर से इनलेट है, ये साइड से, ये जो पतला पाइप देख रहे हैं ये इनलेट है और ये वाला ड्रेन लाइन है। इनलेट और ड्रेन लाइन का एक ही प्लेस है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉयल लगा हुआ है। ये सोलनेट वॉल इनलेट का है और ये सोलनेट वॉल ड्रेन का है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम पे वाटर इन होता है और ड्रेन होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि इसको ओपन कैसे करना है, खोलना कैसे है और रिप्लेस कैसे करना है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए ये जो इसका बेस है उसको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि इसका बेस को मैंने अभी खोल दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वॉल दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो वॉल है ये वाटर इनलेट का वॉल है। तो सबसे पहले मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा ताकि वाटर का सप्लाई रुक जाए, तो ह्यूमिडिफायर खोलने में आसानी होगा। तो इसको मैंने पूरा क्लोज कर दिया है। इसके नीचे भी और भी है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये लाइन, तो ये ड्रेन लाइन है, ठीक है ना। जो गंदा वाटर होगा वो ड्रेन होके यहाँ से निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने इसको अभी क्लोज़ किया है। अभी मैं क्या करूँगा कि एक बकेट के हेल्प से इसका जो भी वाटर है, इसके अंदर टैंक के अंदर जो भी वाटर है उसको मैं रिमूव करूँगा। तो अभी मैंने क्या किया कि इसके जो ड्रेन लाइन का पाइप है बकेट के अंदर डाल दिया हूँ। अब इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे ऊपर प्रेस करना पड़ेगा ताकि वाटर निकले, धीरे धीरे करना है, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, ओवरफ्लो होके बाहर में आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसके अंदर, इस टैंक के अंदर का पूरा पानी को निकाल देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि इसका पूरा पानी जो इसके अंदर से टैंक में था निकल चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, तो इसका जो आउटलेट है उसको रिमूव करूँगा, बाद में वायर को रिमूव करूँगा, लेकिन वायर के अंदर सप्लाई होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसका जो मेन ब्रेकर है इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, लेकिन मेन ब्रेकर का ऑफ़ करने का ये प्रॉब्लम है कि थोड़े देर के बाद, लाइक 3-4 मिनट के बाद अलार्म आना चालू हो जाएगा,
पूरे सर्किट में, क्योंकि ये जो भी प्रीसेशन एसी है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होया हुआ है। तो इसी अलार्म के दौरान ही मुझे इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऊपर से मैंने मैनुअली ऑफ किया था, अभी इसको ऑफ कर दिया है। अभी मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं इसका बेल्ट को रिमूव करूँगा। इसकी बेल्ट को रिमूव कर लिया। अब जो इसके ऊपर के लाइन है उसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब जो हमारा इसके अंदर का नट है उसे भी रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले कि इंश्योर हो जाए कि कौन सा कहाँ पे कनेक्शन इसका दिया हुआ है। देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई। ओके, तो जो तीन है, तीन डमी हैं और तीन में कनेक्शन यूज़ होया हुआ है, तो हम तीन को निकालने वाले हैं। तो ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब मैं नया फिक्स करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले पूरा ऑफ होया हुआ है, लेकिन जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में किस तरह से अलार्म शो कर रहा है। तो जब तक कि मैं इसको रिटर्न ऑफ ऑन नहीं करता हूँ तब तक वो अलार्म जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने अभी इसके पुराने वाले को रिमूव किया है। तो ये देखिए, ये जो पुराना वाला है इसके अंदर का जो कॉइल है टूटा हुआ है, तो आवाज़ आ रहा है खटखट करके, ठीक है। और सेम सेम हमारा जो दूसरा हम्यूमिडिफायर टैंक है वो सेम सेम है, इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इसको रिमूव करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू में ये इसका नहीं आया हुआ, ठीक है ना। तो मैं रिमूव करके इसके अंदर डाल के फिर फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसको ये इसके जो नोब है उसको लगा दिया हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसके पूरे वायर को लगा लेता हूँ। तो हमारा जो ब्लैक वायर था तो इस सेक्शन में था, ए में था। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। सब वायर को जिस जो जहाँ पे था वहाँ पे फिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको जस्ट इसका जो बेस है उसके अंदर डाल दूँगा। तो इसका बेस भी लग चुका है। अब इसका जो ऊपर का आउटलेट है उसको भी टाइट कर लेता हूँ।
ऊपर का आउटलेट भी टाइट हो चुका है। अब इसका जो बेल्ट है उसको भी लगा लेता हूँ। ओके, सब कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो ड्रेन लाइन है तो ड्रेन लाइन को इसके जो सक्शन है, ड्रेन सक्शन है, उसके अंदर डाल दूंगा। तो अभी मैंने क्या किया है कि इसके जो ड्रेन लाइन का पाइप था उसके अंदर डाल दिया है, ड्रेन लाइन के इसमें डाल दिया है, ठीक है ना, ड्रेन लाइन के अंदर डाल दिया है। अब इसका जो वॉल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसके वॉल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा भी चेंजिंग आया है, वाटर का लेवल यहाँ तक का भी आ चुका है, ठीक है ना। जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको यूनिट को तो उस हिसाब से वो वाटर इसके अंदर फील होगा। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस ह्यूमिडिफायर टैंक चेंज करने का। आई होप आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।